सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं टू सेक्स आर रिक्वायर्ड वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट होता, हो, होता है वो फ्लावर होता है फ्लावर के अंदर ही जो है मेल सेल भी होता है और आपका फीमेल सेल भी होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस मेल सेल जबकि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस फीमेल सेल और ये जो आपके मेल सेल और जो फीमेल सेल होते हैं इनको हम गैमिट्स कहते हैं जब इन दोनों का फ्यूजन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज नाउन एज फर्डालाइजेशन तो इसको हम जो फर्डालाइजेशन कहते हैं और फर्डालाइजेशन के कारण जो है जायगोड़ बनता है जायगोड़ जो एक सिंगल सेल होता है इसके बाद जो जायगोड़ के अंदर फिर डेवलपमेंट होती रहती है वो रेपिडली जो है डिवाइड होता रहता है एंड गिवस राइज टू अव इंडिविजअल पार्ट्स ऑफ फ्लावर फ्लावर के अंदर जो है चार वोल्स होते हैं सीपल पीटल स्टेमन एंड पिस्टल सीपल का जो काम होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्सुअल पार्ट होता है जबकि पीटल जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है और उसका काम जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है स्टेमन जो है आपका फ्लावर का मेल सेक्सुअल पार्ट होता है और पिस्टल आपका जो है फ्लावर का फीमेल सेक्सुअल पार्ट होता है पिस्टल को हम जो है कार्पेल भी कहते हैं इसके जो तीन पार्ट होते हैं स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरे जो स्टाइल होते हैं वो स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी टॉप पे जो है स्टिग्मा होती है जो कि एक स्टिकी टिप होती है और इसका जो स्वेलन पार्ट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं और ओवरी के अंदर जो है एग लाइक ओव्यूल्स होते हैं देखिए सभी फ्लावर के अंदर जो है चारों के चार वोल्स नहीं होते हैं इसलिए जिन फ्लावर के अंदर चार के चार होल्स होते हैं उनको हम जो है कंप्लीट फ्लावर कहते हैं कुछ फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर जो है पिस्टल मिसिंग होता है तो उनको हम जो है मेल फ्लावर कहते हैं उसी तरह ऐसे फ्लावर जिनके अंदर जो है स्टेमन जो आपका मेल सेक्सुअल पार्ट है अगर वो मिसिंग होता तो उनको हम जो है फीमेल फ्लावर कहते हैं तो आपके जो ये फ्लावर होते हैं जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इनको हम जो है इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं और इनको हम जो है इनिसक्शुअल फ्लावर भी कहते हैं वाटरमेलन मेलन कुकुम्बर बोटल गार्ड एक्सेट्रा इसे कुछ एक जो है आपके इनसेक्शुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है अब आपके जो कंप्लीट फ्लावर है जिनके अंदर चार की चार वोल्स होती है उनको हम जो है बायसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं लिली चाइना रोज एंड गुलमोहर एक्सेट्रा इसके कुछ एक एग्जाम्पल एक है पॉलिनेशन मेल सेक्सुअल पार्ट जो स्टेमन होता है उसमें जो स्टॉक लाइक फिलामेंट होता है और फिलामेंट की जो टिप होती है उसके ऊपर जो है एंथर होता है या उसको हम जो है पोलन सेक भी कहते हैं जब ये एंथर या फिर जो पोलन सेक्ट जो है मेच्योर होता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स और इन्हीं पोलन ग्रेन्स को हम जो है मेल गैमेट ऑफ फ्लावर कहते हैं अब रिप्रोडक्शन के लिए जो है जो आपका पोलन ग्रेन है मस्ट बी ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल क्योंकि रिप्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब आपका जो है मेल uh, गैमिट जो है फीमेल गैमिट से फ्यूज करेगा तो इस ट्रांसफर को पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा का जो ट्रांसफर होता है इसको ही हम जो है पोलिनेशन कहते हैं और ये पोलिनेशन जो है इंसेक्ट्स वर्ड्स विंड आदि के द्वारा होता है पोलिनेशन जो है दो तरह का होता है एक आपका सेल्फ पोलिनेशन एंड दूसरा आपका क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन में जो है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम द स्टेमन टू पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टल ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ़ द सेम काइंड ऑफ प्लांट ये देखिए जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हम जो है वो जो आपका सेल्फ पॉलीनेशन है वो बाइसेक्शुअल फ्लावर्स के अंदर होता है कि उसके उसके अंदर जो चारों के चारों होल्स होते हैं जबकि आपका क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो यूनिसेक्शुअल फ्लावर के अंदर होता है इजेशन जब पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर पहुंचता है इट जर्मिनेट एंड ग्रो अ लॉन्ग थिन पोलन ट्यूब और इस पोलन ट्यूब के अंदर जो है मेल गैमिट जो है कि पोलन ग्रेन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ये पोलन ट्यूब के द्वारा कैरी किया जाता है और ये गैमिट जो है पोलन ट्यूब के द्वारा स्टाइल स्टाइल से फिर जो है ओवरी तक पहुँचता है एंड एंटर इन ओव्यूल्स जहाँ पर कि जो पहले से ही जो है एक फीमेल गैमिट एग होता है और फ्यूजन के बाद फ्यूजन ऑफ गैमिट जो आपकी ओवरे होती है वो फ्रूट के अंदर जो है डेवलप हो जाती है और ईच ओवियस आपके जो है डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर अब ये जो सीड होता है सीड के जो अंदर है वो बे, जो आपका बेबी प्लांट जो है लाइज करता है जो कि जो है जाइगोड से डेवलप हुआ है जब ये सीड जो है स्क्रटर्ड होते हैं या डिस्पर्जल किए जाते हैं बिंड एनिमल और वर्ड्स आदि के द्वारा तो फिर जो है नया प्लांट जो है इन सीड से प्रोड्यूस